गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप अच्छे ही होंगे। और अभी अभी जो है नहा कर आई हूँ मैं और नीरव, थोड़ा बहुत पूजा किया है। और पीछे आप देख सकते हो अगरबत्ती को यहाँ रख दिया है, क्योंकि जहाँ मैं पूजा करती हूँ अलमारी थोड़ा सा वो छोटा पड़ता है, तो अगरबत्ती जो है बहुत बड़ा है, तो मैं इसलिए धूप ही जलाती हूँ। वो ज़्यादा मैसी भी नहीं होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो नीरव जो है अभी देखिए क्या कर रहा है। नीरव अंडा खा रहा है। क्या खा रहे हो गंदा करके? गुस्सा हो गए? गुस्सा कैसे खाते हो आप? अंडा कैसे खाते हो? गुड बेबी, मुंह में डालो, मुंह में खा। यस गुड। ओ मेरा सोना, फिर से खाओ। बहुत गुड बच्चा हो जाता है नीरव ना, बहुत ज्यादा गुड बॉय है ना। ओ मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बेबी, मेरा जान। नानी से आज बात किया आपने? क्या है बेटा, फिनिश करो, अंडा फिनिश करो। और गाइस यहाँ पर जो है मेरा साग रखा हुआ है, दो साग है, नीचे भी नीचे पालक का है और ऊपर ये पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रहा। तो अभी जस्ट मैंने इसको छांट कर रखा है, सफाई करके रखा है, इसको मुझे वॉश करना है। कट करो बेटा। सो मैं जा रही हूँ, सोचो थोड़ा कंघी कर लूँ बालों में और उसके बाद फटाफट से खाना भी बना लूँ, वरना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और गुस्सा करेंगे खाना नहीं बनाए अभी तक। तो साग को जो है मैंने इसको अच्छे से छांट के गई थी मैं नहाने के लिए। और आज का जो मौसम है इतना ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा मेरे लिए ख़राब भी है, दुख की बात भी है वो, इसलिए क्योंकि मैंने अचार बनाया है, सोचे धूप निकले और वो अचार जो है मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है दो दिन से। तो मैं सोच रही हूँ कि धूप निकल जाए। और आज का जो न्यूज़पेपर था वो भी मेरा पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला जो है गैलरी में फेंक कर चला जाता है पेपर। और मैं थोड़ा लेट उठी मॉर्निंग में और बारिश काफ़ी आ चुकी थी, तो वो बारिश से पूरा ख़राब हो चुका था गीला होकर, तो उसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। बट ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अभी जा रही हूँ मैं, करती हूँ खाने की तैयारी। एंड एज़ यूजुअल मेरा खाना जो है बहुत हेल्दी होता है, तो आज भी हेल्दी खाना है। पहले मैं नीरव को ये जो अंडा खिला दूँ, नहीं तो ये सारा इस तरीके से फैला कर खाएगा। तो आज बना रही हूँ मैं दाल, वो है सोया दाल, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, साबुत सोया की दाल वाइट वाला। और उसके साथ बनाऊँगी पालक और आलू की सब्जी, रायता, राइस, इन्हों में मैं खिलाती है। ओके गाइस, सो मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ और बना रही हूँ अपना खाना, यानी कि ये साग। ओके गाइस, तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरा जो दाल है वो कुक हो चुका है, अभी जस्ट मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और यहाँ बन रहा है साग, तो साग को मैंने वॉश कर दिया है। तो साग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने हाफ ही इसको वॉश किया है, हाफ वॉश करके मैंने इसको चॉप कर लिया है। तो इतना ही बनाऊंगी, अगर मुझे लगेगा कम है तो मैं और डाल दूंगी, क्योंकि मेरा अभी जो प्लान है चेंज हो गया, आलू डालने वाली थी बट मैं अभी आलू नहीं डाल रही हूँ, ताकि जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा। तो हाफ जो है मैंने रख दिया है यहाँ पर चॉप करके, तो लगेगा ज़रूरत तो मैं डाल दूंगी इसको। ये थोड़ा मोटा कट गया है तो इसको मैं फ्रिज में ऐसे ही रख दूंगी, हो सके तो रात में या कल बना सकती हूँ। अगर ऐसे आप ढक कर रख देते हो कवर करके, तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो ये साग है एक हफ्ते से भी ज़्यादा दिन का है और काफ़ी फ्रेश रहता है फिर भी। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें फ्रेश ही बनाना चाहिए, बट अगर एक हफ्ते बाद भी बना रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुरझाए नहीं थे। और अंडा जो है मैंने, मेरे पास दो ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा हाफ काट के, उसको सारे मसाला डाल के उसको हल्के से ऑयल में फ्राई करूंगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं, बहुत कम। तो बेल बज चुकी है, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। एंड बाय द वे आज मैंने ये मंगलसूत्र पहना है, जो कि मेरे शादी का ही मंगलसूत्र है, तो आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था पहनने का, और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ और इसमें डाल दूँगी दाल। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, और टमाटर में मैंने ऑलरेडी गार्लिक को भी पेस्ट कर रखा है, तो मुझे दोबारा गार्लिक पेस्ट नहीं डालने की ज़रूरत है। और साग भी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा मैं मैश कर देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए और मोटे मोटे दाने ना रहें इसके, और नीरव भी इजीली खा सके।
गाइस तो देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना आ चुका है, तो मैं किचन से बाहर आ चुकी हूँ और जो भी बनाया मैं आपको दिखाऊंगी, बट थोड़ा सा यू नो इतना जो पसीना आया था ये सूख जाए पहले और थोड़ा हवा में बैठ जाए और रिलैक्स कर लूँ। उसके बाद बस हम खाना खाएंगे और एक जगह कहीं आज हमें जाना है तो कुछ सामान लेना है तो जाऊंगी और उसके बाद आ जाएंगे और इवनिंग में जाएंगे पार्क एज यूजुअल। सो मैं दिखाऊंगी मेरा दाल किस तरीके का लग रहा है। थोड़ा जो मेरा दाल है वो गीला गीला सा है, ज़्यादा ड्राई नहीं करा मैंने, क्योंकि रोटी के साथ मतलब रोटी के साथ तो हमें खाना नहीं है, राइस के साथ खाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी उसमें डाल दिया ज़्यादा ताकि राइस के साथ खा सके। और साग जो है बहुत ही यम्मी बना है, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है वो साग। ओके गाइस तो ये रहा मेरा दाल, सोया का दाल जो कि एकदम अच्छे से गल चुका है, तो थोड़ा ये पानी वाला बनाया है क्योंकि राइस के साथ खाना है और राइस जो पूरी बन रहा है, बन चुका है ऑलमोस्ट, तो बस ये। दीदी है बेटा, दीदी के साथ खेलो अच्छे से, वेरी गुड।